नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं आजाद टीवी रायचूर। डॉक्टर शिवराज पाटिल रुकन असेंबली रायचूर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों बहुत ज्यादा गर्दिश कर रहा है, जिसमें वो रियासती वजीर प्रभु चौहान के सामने मुतालिबा कर रहे हैं कि रायचूर को तेलंगाना रियासत में जम कर दिया जाए। बात दरअसल ये है कि रुकन असेंबली अपनी नाराजगी को दर्ज कराने के लिए ये बात कर रहे हैं। अगर शुमाली कर्नाटक कहें तो हुबली धारवाड़ को अहमियत दी जाती है, और अगर कल्याण कर्नाटक कहें तो गुलबर्गा और बीदर को तरजीह दी जाती है। इसलिए इन्होंने कहा कि अगर रायचूर की तरक्की को तरजीह नहीं देते हैं तो बेहतर है कि इसे तेलंगाना रियासत में जम कर दिया जाए। रायचूर से अलग करके जिन जिलों को बनाया गया, जो यादगीर और कोप्पल हैं, ये जिले बहुत तेजी से तरक्की कर रहे हैं, मगर रायचूर अभी तक पिछड़े इलाके की पहचान रखता है। और किसानों के लिए जो सहूलियात फराहम की जानी चाहिए थी, जिसमे रियासत कर्नाटक नाकाम रही है। इन्हीं चंद मुतालिबात को लेकर रुकन असेंबली डॉक्टर शिवराज पाटिल अपनी नाराजगी को दर्ज कराते हुए कहते हैं कि अगर रायचूर की तरक्की को तरजीह न दी जाए तो रायचूर को तेलंगाना में जम कर दें। उत्तर कर्नाटक अंद्रे हुबली धारवाड़ बेलगाम, हैदराबाद कर्नाटक अंद्रे गुलबर्गा बीदर, ना रायचूर नम तेलंगाना ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮಂತವ್ರ ಹಿರಿಯರು ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಇದ್ರಿ, ನಮ್ಮ ರೈಚೂರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಜೀವ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಜೀವ ತುಂಬಬೇಕು. ಸತ್ಯಣಗಳು ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಉಳಿದ್ರಿದ್ರು ನಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಮ್ ಉಳಿದದ್ದು ಏನ್ ದಾರಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ದಾರಿ, ಅದೊಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ದಯಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸ್ಥಾನಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದಾವ, ಆ ಸ್ಥಾನಗಳು ತಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ.